ये देखो ये देखो, ये मेरे भाई की कला देखो आप, ये देखो भाई भाई की कला। कौन बोलता है मैं चाइना? ये देखो ये देखो ये अब है ना प्लेट, वहां पे दो दो प्लेट नीचे रखी है, प्लेट लगे नहीं डालने का तो सीधा। तो मैं पक्का चाइनीज। अरे गरम में मत। ये देखो ये हमारा नूडल तैयार। और ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल मिस्टर अंकुश डॉग। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोग को पता है मुंबई महाराष्ट्र में काफी ज्यादा कोरोना हो चुका है। महाराष्ट्र में क्या, हर स्टेट में कोरोना वायरस ज्यादा हो गया है, तो इसलिए मेरा ब्लॉग टाइम पर नहीं आ रहा है और मैं घर पे ही कुछ ट्राई कर रहा हूँ। तो देखिए ये है पत्ता गोभी। तो हम लोग आज बनाने जा रहे हैं आप लोग के लिए वेज नूडल्स। नॉन वेज हम लोग खाते नहीं है, वेज नूडल्स। तो ये नॉन वेज खाता नहीं है, झूठ बोल रहा है। नहीं जो 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 मेरे फ्रेंड्स लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को पता है यार नॉन वेज तो हमने खाता नहीं है। आप लोग ना ये पत्ता गोभी हिंदी मतलब इसको ना आप लोग को फुल बारीक बारीक काट लेने का, और पीसेस कुछ ऐसा होना चाहिए। मुझे भी नहीं आता है बनाने, लेकिन कुछ तो बनेगा ये पता है। चलो आगे देखते कैसा बनता है। ये पूरा कट चुका है, देख सकते हो। आप लोग भी ऐसा काटो। अब उसके बाद बारी है कैप्सिकम, शिमला मिर्च, उसको एकदम बदला बदला लंबा लंबा काटना है। बाकी जो इसके अंदर का बीज रहता है ना, आप लोग निकाल लेना। लॉकडाउन ने ना सब कुछ सिखा दिया बहुत। और जैसे लॉकडाउन खत्म होएगा ना, तो बहुत बड़ा प्लान है, एक छोटा मोटा होटल डाल देंगे। तो आप लोग आओ मेरे होटल में खाना खाने। क्यों बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं? और एक वीडियो में मैं बोला हूँ, जो अम्बानी के इधर खाना जाता है ना, नहीं बनाता था, देखना वो वीडियो। चूरन देना कम करेगा था ना? तो वो चूरन देता भाई लोग, ये वो चूरन देता, ये चूरन चपाटी बहुत देता है। देखिए ऐसा आपको कट करना है, देख लो बदला बदला लंबा लंबा कट करना है। कीप सपोर्ट गाइस। और जो भी वीडियो देख रहा है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। तो ठीक है, अब मिलते हैं, हम इसके कटिंग के बाद मिलेंगे, फिर बात करेंगे। फिर बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, लेकिन हम लंबा प्रोसेस इसको बना रहे हैं। पता नहीं क्यों इतना धीरे धीरे कर रहा है, इसको कितना सिखाया हूँ मैं, लेकिन नहीं मानता है, सब मजाक में लेते हैं मुझे। मालूम है छोटा मोटा नहीं होना, बड़ा हो इसके। बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा है। को कुछ आता नहीं करने, पता नहीं कैसा बनने वाला है, लेकिन ये आइडिया मेरा था। आप लोग नेक्स्ट टाइम क्या बनाओ वो बताओ। नॉनवेज छोड़ के गाइस, नॉनवेज हम लोग के घर पे कोई नहीं खाता है, किसी को बोलना मत, नॉनवेज कोई नहीं खाता है। ठीक है, ओके मिलते हैं आगे। तो गाइस फिर से आप लोग का कांदे पे स्वागत है। अभी तीन चीज कट चुकी है, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, जो नूडल्स में काफी अहमियत रखती है ये सब चीजें। मतलब ये नहीं रहेगा तो नूडल्स नूडल्स नहीं होगा, समझ रहे हो? और इसको तो नॉर्मल जैसा काटना है वैसा काट सकते हो, लेकिन बड़े पीस में ही काटने का। तो अभी हम काटने जा रहे हैं कांदा, जो हमारा चौथा आइटम है वेज नूडल्स का। ये सारे आइटम्स हम पहले रेडी कर लेंगे, प्रॉपर काट के धो के अच्छे से, उसके बाद हम नूडल्स को उबालेंगे। स्प्रिंग ऑनियन लाने भूल गए, ऑनियन है स्प्रिंग भूल गए, स्प्रिंग ढूंढते किधर मिल ही जाएगा हमको। हाँ एक मिनट आया। तो गाइस मेरा रिंग लाइट आ चुका है, अब हमें रिंग लाइट लगा के एकदम फ्लैश मारूंगा। तो ये है हमारा मटेरियल, और ये है अरे हाड़ी काटते थे तो ये क्या कर रहा है? पब्लिक को वेज नूडल दिखा, मेरे को मत दिखा, पब्लिक मेरे को नहीं खाएगी, वेज नूडल खाएगी। तो आप लोग को अगर बनाना है तो प्लीज मेरे को कमेंट करिए, ये आएगा आप लोग के घर पे बना देगा, लेकिन फीस चार्ज काफी लेगा। फिर भी नहीं आऊंगा भाई, नहीं आने का, मेरे को कोरोना बहुत बढ़ रहा है भाई, नहीं आने का। ये मिर्ची को जो है ना चाइनीज स्टाइल में काटो, चाकू को टेढ़ा रख के अंदर घुसा के काटो, उंगली बचा देना। नहीं आ रहा थोड़ा काटने, लेकिन
और भी अच्छे से कटता है। तो चलेगा गाइस, इसको सिखा दूंगा मैं बाद में। खुद को आता है क्या पहले उसको बता। खुद को आता नहीं है, मेरे को सिखाएगा ये? नहीं नहीं मेरे को आता है। बचपन से चाइनीज कुनफू सीख के आया क्या तू? अपन सब सीखे ले भाई। ये पेट्रोल से धोएंगे, ये डीजल से धोएंगे और ये गैस से धोएंगे। ये देखो ये क्या है। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये है चाउ नूडल्स, मतलब ये चाइना का माल है। तो चाइना का चाउ नूडल्स नाम है, लेकिन चाइना का नहीं, अपने इंडिया में ही बनता है। दोस्तों इसको ना ज्यादा टुकड़ा मत करना। टुकड़ा क्या, इसको ऐसे डाल देना है, उसमें पानी डालना है और उसको थोड़ा उबालने रखना है, और मतलब वो हिसाब से थोड़ा पक अच्छे से कुक हो जाए, उस हिसाब से थोड़ा देख देख के करना है, ठीक है? ज़्यादा टाइम तक मत रखना, हार्डली पाँच से सात मिनट, ज़्यादा नहीं, तो अच्छे से पकने देना है। यहाँ पे मैंने चार पैकेट डाला है, और ये पैकेट जो है ना, ये केवल 10 रुपये का पैकेट है, ठीक है? ज़्यादा महंगा भी नहीं है, चार पैकेट है, तो उस हिसाब से मैं पानी डालूंगा, थोड़ा ज़्यादा लगेगा मैंने, और इसको मैंने ऐसा तो आप लोग इसको पकने दो, बाकी इधर बॉईल होते रहेगा थोड़ा, और हम इधर अपना वेजिटेबल जो कटिंग किए थे उसको थोड़ा वॉश कर लेंगे अभी, मतलब अगर ज्यादा वॉश करना है तो निरमा पाउडर डाल देना। तो फाइनली गाइस मैं अभी बाहर दरवाजे पे आया हूँ, मैं देखता हूँ जाके कि रजनीश क्या कर रहा है साइलेंस। चलो आ जाओ मेरे साथ। क्या कर रहे थे? खाने वाले 3 ही लोग हैं, तो उस हिसाब से मैंने क्वांटिटी लिया है, ठीक है? वो क्वांटिटी की बात नहीं है भाई, हम लोग कभी बना ही नहीं, कभी कभी खराब बन गया तो पूरा वेस्ट जाएगा। इसके लिए पहले कभी बनाओ आप लोग भी घर पे। लेकिन इतना कॉन्फिडेंट है भाई, एक नंबर बनेगा। कॉन्फिडेंस तो है मेरे ऊपर, लेकिन मेरे को आप लोग के ऊपर नहीं है। कभी नमक ज्यादा हो गया, मसाला खा के ना टेस्ट भी बताऊंगा मैं कैसा लगा। मेरा फेस एक्सप्रेशन आप देख लेना, अगर फेस एक्सप्रेशन अच्छा लगा ना, समझ आना अच्छा बना है, और फेस एक्सप्रेशन अगर ऐसा लगा ना, समझ जाना विकार बना है। जो भी आईसीआईसी लोम्बार्ड का ये वीडियो देख रहा है, ये वीडियो देखना, काम भूल के इधर गेम खेलता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यार कितना मस्त दिख रहा है, कुछ दिखा जाएंगे? ये देखो कितना मस्त दिख रहा है, देखो ये देखो, ये देख रहे हो? ये देखो, ये ना पहली बार बना रहे हम लोग, अब उनको खाने का अपन बताएंगे ना खाके। अरे लेकिन कटिंग के बाद आप लोग पहचान सकते हो ना मैं कितना बड़ा कुक हूँ, इधर बनाता है 5 स्टार 7 स्टार में कुक करता भाई मैं। वह सिर्फ कुक करना आता है इसको अच्छा, और बनाने नहीं आता है। सॉरी कुक नहीं, इसको कट करना अच्छा आता है बस। अच्छे से बॉइल कर लो कि कच्चा पन ना लगे आप लोग को। इसमें ना बॉईल का एक मतलब बता देता हूँ कैसे बॉईल हो जाएगा प्रॉपर। ये जो है ना देखो, सब अलग अलग है, सब एकदम एक से एक मिले हुए, ये सब छूट गए, तो ऐसा लगे ना जब आप चढ़ाओगे ना, तो ऐसा दिखना चाहिए कि ये सब खुले खुले हो गए, एक से एक चिपके रहने नहीं चाहिए। नूडल चाइनीज बन गए ले गया। अरे वहाँ ये तो चिपक के अंदर आ गए, निकल रहे। अबे ये तो चला गया है, अब तेल थोड़ा गर्म हो, गैस तो चालू नहीं किया लेकिन भाई ने अभी कर देंगे। ये कुक इसके लिए बोलता हूँ, तो कुक जैसा बनने का। गर्म हो रहा है यार घर पे, गर्म फट रहा है। ये मेहनत कर रहा है, अब मैं इतनी मेहनत करके इतना आगे निकल गया। मेहनत का अच्छा देना। तो हमारा उधर वो भी हो चुका है, तो हम अभी बंद नहीं करेंगे इसको, जब तक इधर हम फास्ट गैस में उधर स्लो रखे, इधर जीरा वीरा डाल के इधर प्लस सब ये सब फ्राई कर लेंगे। तो ये क्या है? तो ये जा रहा है कांदा। चिली 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 ग्रीन चिली हो जाएगा। अभी गाजर, ये हमारा गया शिमला मिर्च, तो अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है?
हमारी तीसरी भाजी जा रही है पत्ता गोभी, और नूडलिया भाड़े में हमारी भाजी तैयार हो गई है। नूडलिया भाड़े में हमारी भाजी तैयार होने वाली है। देखो भाई, पहले भाजी अच्छे से रेडी कर लेना है, फिर उसके बाद क्या करना है मेरे को खुद को नहीं मालूम। तो भाई जैसे कि अभी अफ्तारी करने का टाइम भी होने वाला है, तो ये सब मटेरियल पड़ गया है, इसमें थोड़ा मसाला डालेंगे हम, सूखी भर के ऐसा डाल देंगे पीसने का है। ऐसा ये क्या है पता नहीं, कौन सा पाउडर है, घर पे रखा डाल दे, छोड़ो ना घर पे रखा डाल देने का, थोड़ा थोड़ा डाल देने का। ये तो हमारी भाजी तैयार हो गई थी, उसके बाद तो थोड़ा चिली पाउडर पड़ेगा इसे, ना चिली ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे पास है ना चिली सॉस भी रखा है, तो चिली सॉस डालेंगे उसमें ज़्यादा, थोड़ा हल्दी डाल देंगे कलर के लिए। मेरे को बोल रहा है अरे भाई अपन 7-star होटल में बना के छोड़े खाना, अभी तो ये हिसाब का डाला है, वो डालेगा तो फिर ना उसमें नमक मिला हुआ रहता है, कम होगा ना रखा बोल लो की तरह उछालना है। यहाँ पे भाई बोलते उछालने के लिए, देखो हम कैसा उछालेंगे। अरे ऐसे नहीं, एक हाथ में कढ़ाई पकड़े ऐसे हिलाने का रहता है, ये तो कढ़ाई पकड़े हिलाने को पकड़ लेगा वो हिला देंगे ना वहाँ भाई, छटके पड़ जाएंगे ज़्यादा ओवर नहीं करने का, छटके पड़ेंगे सीधा हॉस्पिटल भागने का, फिर हॉस्पिटल में बोलेंगे क्या हो गया, तो बोलेंगे कोरोना हो गया। आप लोग देख सकते हो इधर हम लोग ने थोड़ा देर रखा था उसको, सब भाजी में मिक्स कर दिया, गाजर कैप्सिकम है पत्ता गोभी, तो वो सब मसाला इसाला डाल चुके, अब बारी है नूडल्स को उठाकर इसे कढ़ाई में डालना, काफ़ी टफ काम है। तो ये देखते हैं कैसे करते हैं, घर में कोई छन्नी नहीं ले लेना है, और इसको अच्छे से हल्का हल्का निकाल, हल्का हल्का आनंद समझ लेना, एक चम्मच मैं आ गया, रुक रुक मैं आता, रुक तुम मोबाइल ले देख। तो ये बहुत ही हैवी है, देख सकते हो आप, ये देखो, ये देखो, ये मेरे भाई की कला देखो आप, ये देखो भाई की कला, कौन बोलता है मैं चाइना, ये देखो ये देखो ये, अब है ना प्लेट, वहाँ पे दो दो प्लेट नीचे रखी है, प्लेट लगे डालने का तो सीधा, तो मैं पक्का चाइनीज, अरे गरम है मत। ये देखो ये हमारा नूडल तैयार, ये देखे इतने टाइम से बचन दे रहा है ना भाई, अपन मुझे एक नंबर कुक कर दे, ये देखो शक्ल देखो मेरे भाई कैसा कुक कर दे, नूडल डालने के लिए देखो। तो मैं एक ही राउंड में खत्म कर दिया था, तो ये एक राउंड में खत्म किए थे, इसके लिए इतना टाइम लगा, यहाँ पे हमारा नूडल चला गया है जिसमें हम थोड़ा सोया सॉस मिक्स करेंगे। अब इसका काम हो गया, अभी मेरा काम है, इसको पता है खराब बनाएगा, इसके लिए मैं आ गया। ये देख रहे हो मतलब पूरा बना दिया हमने, सिर्फ इसको इसमें डाल के थोड़ा सा सॉस डाल के हिलाने का है, तो इतने के लिए बोल रहा खराब कर देगा। ये देख ऐसे ऐसे होते हैं भाई हमारे, एक नूडल्स नहीं छोड़ना, एक एक नूडल्स इसमें से निकाल लेना। हाँ एक पीछे भी पड़ा है, नहीं वो छोड़ देना। यम्मी चिंग चोंग चला गया पिंग पोंग, ये देखो पहली बार बनाने का नतीजा ये पिंग पोंग, और ये हो गया पिंग पोंग, इतना ही जाना चाहिए आधे आधे से। देखिए पिंग पोंग कहता हुआ, तो ये है रेड चिल्ली, मिक्स करेगा दोनों हाथों से, देख सकते हो इसको दबा मसी को ऐसा उठा उठा के ऐसे करते रहे बस। ये गैस देख रहा हूँ स्लो में, शायद इसको फास्ट करना पड़ेगा थोड़ा। तो गाइस आप लोग बताओ कमेंट करके मैं दुकान खोलूं या नहीं खोलूं। हाँ यार बताओ मेरे भाई को दुकान खोलना चाहिए कि नहीं। तो फाइनली गाइस आप लोग ने पूरा वीडियो देख चुके हैं, आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताओ, और बाकी का
भाई बोलो दोस्तों यार, मैंने तो देखे होगी और आपको स्टेप वाइज हमने बताया है कैसे बनाना है क्या सारी चीजें। और ऐसा सच बोलूँ ना, हम लोग भी पहली बार बना रहे तो पता नहीं कैसा बनेगा। और मेरे को तो अच्छा लग रहा है देख सकते हैं आप लोग पीछे, और खाने में तो और ही मजा आएगा, मुझे अच्छा लग रहा है। तो गाइस जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा अच्छा लगा तो कमेंट करें। आप लोग हम लोग को बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप क्या बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।